हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड पांच ऐसे नॉन स्किपेबल क्वेश्चंस लिए हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में फ्रेक्वेंटली पूछे गए हैं, इसलिए इन पांचों प्रश्न को आपको ध्यान से करना है। सारे प्रश्न अलग टाइप के हैं और पूरी संभावना बनती है कि ये अगली होने वाली परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाएंगे। सो पहला बहुत ही बेसिक टाइप का प्रश्न है, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे और इन क्वेश्चंस की बहुत ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। समान आयतन क्षमता वाले दो बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण क्रमशः 3:4 और 5:3 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? दो आपके पास बर्तन है, यूटेंसिल्स सेम कैपेसिटी के हैं, इनमें वाटर एंड मिल्क का मिश्रण है दोनों में। पहले में 3 भाग पानी 4 भाग दूध, दूसरे में 5 भाग पानी 3 भाग दूध, यही तो रेशियो का मतलब होता है। अब ये जो भी मिश्रण है इसको तीसरे बर्तन में पलट दें अगर, तो पानी और दूध का अनुपात या रेशियो क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक टाइप का प्रश्न है, कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। पहला और दूसरा, दो आपके पास बर्तन है, दोनों में रेशियो किस चीज का है? वाटर और मिल्क का, W फॉर वाटर M फॉर मिल्क। दूसरे में भी वाटर और मिल्क ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो क्या है? पहले बर्तन में 3:4, दूसरे बर्तन में 5:3। डन। अब ये टोटल कितनी कैपेसिटी है, इसमें 4 इसमें 3 जोड़ लीजिए 7, इसमें कितनी 5 इसमें 3 8, इसमें 7 इसमें 8, ये नहीं चलेगा। तो आप ले लीजिए एलसीएम, हमें इधर भी बराबर करना है इधर भी बराबर करना है। जब कोई वैल्यू बराबर करनी है तो हमें एलसीएम ही लेना होता है। 7 8 का एलसीएम हो गया 56। अब 56 हमको बनाना है इधर की वैल्यूज को भी इधर की वैल्यूज को भी, तो हमारा काम हो जाएगा। तो 7 को 56 बनाना है तो हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 का। अगर 8 को 56 बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का। तो हमें ये 7 8 तो दिया नहीं गया था, ये तो हमने जोड़ लिया। तो हम जो ये मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम इन रेशियोज में ही करेंगे डायरेक्टली। कहने का मतलब 8 का मल्टीप्लिकेशन 3 and 4 में और 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 and 3 में। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले 3 में तो हुआ 24, 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 में हुआ 32 और 7 का इधर मल्टीप्लिकेशन करने वाले थे तो 7 का करेंगे हम पहले 5 में 35, 7 का 3 में 21। अब जोड़ के देखिए 24 32 56 हो रहा है, 35 21 ये भी 56 हो रहा है। तो सम करने पे हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए तो हमारा काम हो जाता है। अब इस रेशियो को, ये जो मात्रा आई, इसको हम तीसरे बर्तन में पलटेंगे। तीसरे बर्तन में हमको चाहिए क्या? वही पानी और दूध का ही रेशियो चाहिए। ये पहली वाली वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये पानी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए वाटर वाटर, तो दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि आप इस सब को तीसरे बर्तन में डालने वाले हैं। तो 24 और 35 पानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरे बर्तन में जाएंगे तो जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 30 20 50 और 5 4 9 59। इसी तरीके से ये जो दूसरी वैल्यू है ये मिल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी जाने वाली है तीसरे बर्तन में, तो इसको जोड़ लीजिए 30 20 50 2 1 3 53, 59:53, 59:53, ये आपका आंसर होगा। जो तीसरे बर्तन में आप इस मिक्सर को डाल देंगे जो इधर दोनों यूटेंसिल्स में है, तो जो रेशियो बनेगा वाटर और मिल्क का वो होगा 59:53 और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दिस वन। अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 2 ग्लास में पानी और एसिड का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:2 के अनुपात में है। दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए बने घोल में पानी और अम्ल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अलग प्रश्न है पहले वाले से, लेकिन समझिए कि पहले वाले में और इसमें अंतर क्या है। आपके पास दो बर्तन है पहले की तरह, इसमें पानी और एसिड का मिश्रण है 4:3 के रेशियो में, 4 भाग पानी और 3 भाग एसिड। यहां पर 3 भाग पानी 2 भाग एसिड, यही तो रेशियो का मतलब है। पहला जो प्रश्न था उसमें हमने डायरेक्टली इनको तीसरे बर्तन में पलट दिया था और उत्तर हमारा आ गया था। यहां पर बोल ये रहा है कि अगर इससे 1 भाग लेंगे तो इससे आपको 2 भाग लेना है,
1:2 रेशियो का यही मतलब है कि पहले वाले से इस मिश्रण से अगर एक भाग लेंगे तो इस कंप्लीट मिश्रण से आपको दो भाग लेना है, और फिर जब आप इसको इधर मिलाएंगे तो रेशियो क्या होगा पानी और एसिड का, ये आपको निकालना है। तो देखिए तैयारी हम कुछ वैसे ही कर देंगे। आपके पास दो चीजें हैं, दो बर्तन हैं, और दोनों में क्या है, पानी और एसिड। पानी फॉर वाटर, एसिड फॉर ए। वाटर और एसिड का रेशियो इनकी बात करी गई है। पहले वाले में है 4:3 का अनुपात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में है 3:2 का अनुपात। तुरंत जोड़ दीजिए, देखिए बराबर है क्या, 4:3 7 है इसमें, 3:2 5 बराबर नहीं है। तो भाई साहब हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। इसको 35 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 35 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने रेशियोज में, कहने का मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स में, 7 का करेंगे इन दोनों नंबर्स में। करते हैं 5 का 4 में मल्टीप्लिकेशन 20:5, का 3 में मल्टीप्लिकेशन 15। इसी तरीके से 7 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 21, 7 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 14। अब देखिए बराबर हो गया 20, 15, 35, 21, 14, 35। लेकिन यहां पर पहले क्वेश्चन जैसी बात नहीं है, क्योंकि अब इनको मिलाना है 1:2 के रेशियो में। तो आप इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपसे बोलता 3:4 के अनुपात में रेशियो में मिलाना है, तो आप यहां पर 3 से करते मल्टीप्लिकेशन, यहां 4 से करते। जो बोला जा रहा है यहां पर उसी का यहां मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 20 और 15 एक में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही बनी रही, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर 21 का 2 में मल्टीप्लिकेशन हो गया 42, 14 का 2 में मल्टीप्लिकेशन हो गया 28। तो ये रेशियो निकल के आ गए जब आपने इनको 1:2 के अनुपात में मिक्स कर दिया तीसरे बर्तन में, मान लीजिए। अब पूछ यही रहा है कि वाटर और एसिड का रेशियो क्या होगा। तो ये जो नंबर है 20 और 42, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही जाने वाले हैं मिक्स होने के बाद में, तो इनको जोड़ दीजिए 40, 20, 60, 62। ये हो गया वाटर इज टू। एसिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले नंबर को कर रहा है, तो जोड़ दीजिए 28 प्लस 15, दिस इज 43। ओके, दिस इज एसिड। तो वाटर और एसिड का रेशियो फाइनली निकल के आएगा 62:43, दैट्स ऑल। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर आपके पास 3 ग्लास हैं, 3 ग्लास ए बी और सी, जिनकी आयतन क्षमता 1:2:3 के अनुपात में है। जो इनकी होल्डिंग कैपेसिटी वॉल्यूम कैपेसिटी है अलग अलग है, 1:2:3 के अनुपात में। दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, दूध और पानी में भरा हुआ है। गिलास ए बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में है। अब इन गिलासों के मिश्रण को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपके पास 3 ग्लास हैं यहां पर, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और बोला यह जा रहा है कि पहले में जो आपका रेशियो है, बात करी जा रही दूध और पानी की। दूध मीन्स मिल्क और पानी मीन्स वाटर, सब में मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ओके, पहले में जो रेशियो है वो है 1:5, हमने कर लिया। दूसरे में रेशियो है 3:5, डन। तीसरे में है 5:7। ओके, सबसे पहला काम आपको जोड़ लेना है जो मैंने बताया, 5 1 6, 5 3 8, 7 5 12। अलग अलग वैल्यूज आपको मिल गई, तो आपको इन नंबर का एलसीएम ले लेना है। अभी तक हम बात कर रहे थे 2 की, 3 भी हो गए, फर्क नहीं पड़ता। तो 3 नंबर का एलसीएम, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24, निकाल के आप देख लीजिए। तो हमें इन तीनों नंबर्स को 24 बनाना है। तो 6 को 24 बनाना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 8 को बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं भाई साहब, हम अपने रेशियोज में करते हैं। तो 4 का 1 में मल्टीप्लीकेशन हो गया 4, 4 का 5 में मल्टीप्लीकेशन हो गया 20,
इसी तरीके से अभी हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं इन दोनों रेशियोज में। 3 जा 9, 5 जा 15, 2 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों रेशियोज में 5 जा 10, 7 जा 14। लेकिन यहां पर जो कैपेसिटी है तीनों ग्लास की 1:2:3 के अनुपात में है। मैंने आपको बताया जब भी कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम अलग अलग अनुपात में मिश्रण करने जा रहे थे, बात वही है, कैपेसिटी अलग हो गई तो भी हमें वही काम करना है। यहां पर जो रेशियो दिया गया है जो अलग अलग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहला वाला है पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई, दूसरा वाला नंबर कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले नंबर पे आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। तो अब नए रेशियोज क्या निकल के आ गए, 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये तो रहा 4:20, यहां पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 9 हो गया 18, 15 हो गया 30, 3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स में 30 एंड 42। तो ये फाइनल रेशियोज हमारे निकल के सामने आ गए। हमको निकालना क्या है, वही मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो, क्योंकि हम इनको मिक्स करने वाले हैं, ठीक है, किसी दूसरे या चौथे बर्तन में, इनफैक्ट हम इनको मिक्स करेंगे इन रेशियोज को। तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा, इनफैक्ट पहले मिल्क है बाद में वाटर है, पहला नंबर मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 30 और 18 हो गया 48 48 प्लस 4 52। दूसरा वाला नंबर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सारे वाटर वाले भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30 प्लस 20 50 50 प्लस 42 92। तो जो मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो बनेगा ये सब करने के बाद, ये होगा आपका 52:92 और आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। दैट्स ऑल, सिंपल सा एक जैसा अप्रोच है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले प्रश्नों से। 2 बोतलों में दूध और पानी क्रमशः 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। दोनों बोतलों से मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए ताकि दूध और पानी का नया घोल 2:1 के अनुपात में तैयार किया जा सके। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले इस बात को समझो। आपके पास 2 बोतलें हैं, यहां पर मिल्क एंड वाटर, दूसरी बोतल में भी आपके पास मिल्क एंड वाटर है। पहले में रेशियो है 3:2, दूसरे में है 3:7:3, ओके, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। अब तीसरी बॉटल में आपको इन दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है ताकि फाइनल जो आपका मिश्रण बने ये 2:1 के रेशियो में ही बने। यहां पर जो तीसरा मिश्रण बनना है उसका रेशियो आपको दे दिया गया है कि फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें 2:1 का रेशियो होना चाहिए। बस इसी वजह से ये प्रश्न अलग है। और आपको बताना ये है कि ये जो प्रिपरेशन आपको करनी है 2:1 रेशियो में, तो इन बोतलों से किस अनुपात में आप मिश्रण लें, किस अनुपात में इन दोनों बोतलों से मिश्रण लें ताकि फाइनल प्रिपरेशन 2:1 में हो जाए। तो फाइनल आपको रेशियो दिया गया है, यही इस क्वेश्चन में अलग बात है। तो आपको 3 बोतलों पे इनफैक्ट काम करना है शुरुआत से ही, पहला दूसरा तीसरा, ओके। पहला वही मिल्क:वाटर, इसमें भी मिल्क:वाटर, इसमें भी मिल्क:वाटर। पहले का रेशियो आपको दिया गया है 3:2, दूसरे का आपको दिया गया है 7:3 और तीसरे का भी आपको दे दिया गया है कि फाइनल आप बनाएंगे वो 2:1 में बनेगा। तो काम वही शुरू कर लीजिए, पहले जोड़ के देखिए सबकी वैल्यू बराबर है क्या, 3, 2, 5, 7, 3, 10, 2, 1, 3 बराबर नहीं है। तो आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, 5, 10, 3 का एलसीएम होगा 30, आप निकाल के देख लीजिए। तो 5 को आपको 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से, 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा रेशियोज में करते हैं तो कर दीजिए, 6 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 18:2, 6 का 2 में 12, 3 का 7 में मल्टीप्लिकेशन 21, 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन 9, अब 10 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 20, 10 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 10। तो ये फाइनल रेशियो आपके सामने आ गए। अब जो पहली वैल्यूज हैं
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही, मिल्क को कर रही हैं। जो दूसरी वाली वैल्यूज हैं ये कर रही हैं हमारी वाटर को रिप्रेजेंट। अब हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन तब लगाना है जब आपको फाइनल रेशियो दिया गया हो, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है। एलिगेशन है क्या? बहुत आसान है, इस बात को समझो। कुछ ऐसे लगाते हैं, ठीक है। टोटल 5 पॉइंट हम लेते हैं। पहले पॉइंट में कोई भी ले लीजिए, एक मिल्क अगर ले रहे हैं तो मिल्क पे ही काम करेंगे, आप चाहें तो वाटर ले लीजिए तो तीनों वाटर वाले उठा लीजिए। ये पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? जो पहला बर्तन है इसमें मिल्क, मिल्क 18, पहले बर्तन में मिल्क 18, दूसरे बर्तन में मिल्क यहाँ सेकंड वो है 21, इस वैल्यू को हमने लिख दिया। जो ये वाला पॉइंट है आप देख रहे हैं क्रॉस किया तो कॉमन पॉइंट होगा, तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो तीसरे बर्तन में मिलाया, तो ये कॉमन बर्तन है ना जिसमें इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो कॉमन वाला जो दूध का है वो यहां पर आएगा 20, सिंपल सी बात है। जो ये वाला पॉइंट है पहला, पहले बर्तन में दूध, दूसरे बर्तन में दूध, जो ये वाला पॉइंट है कॉमन पॉइंट, तो जब आपने इन दोनों को मिक्स किया वहां पर जो दूध का रेशियो बना वो हमने ले लिया। आप चाहें तो आप वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों वाटर आपको उठाने पड़ेंगे। 12 को यहां रखिए, 9 को यहां रखिए और कॉमन पॉइंट पे 10 आप रख दीजिए, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों नंबर 20 और 18 का डिफरेंस कितना है? बड़े में से छोटे को घटाइए, 20 और 18 को जब आप देखेंगे डिफरेंस तो आया 2, 20-18 2, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटाइए, 21 में से 20 गया 1:1:2, जो नीचे नंबर आए बस यही आपका उत्तर है। 1:2 के अनुपात में यहां से मिश्रण, इससे 1 भाग लेना पड़ेगा, इससे 2 भाग लेना पड़ेगा, तब जो फाइनल मिश्रण बनेगा वो 2:1 के अनुपात में बन जाएगा और यही आपका उत्तर है 1:2। सिंपल सा अप्रोच है, बस इसी को आप यूज में लाइए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर टाइप का एक प्रैक्टिस प्रश्न है। 2 कंटेनरों में एसिड और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए ताकि 2:1 के अनुपात में अम्ल और जल का नया विलयन तैयार किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग एक बार और डेवलप कर दूंगा। आपके पास पहले 2 बर्तन हैं और यहां पर बात हो रही एसिड एंड वाटर की। दोनों में एसिड एंड वाटर, पहले में है 3:1, दूसरे में है 5:3। अब इनमें से किस अनुपात में लिया जाए ताकि तीसरे बर्तन में जो फाइनल प्रिपरेशन तैयार हो वो 2:1 के अनुपात में तैयार हो। तीसरे का रेशियो आपको दे दिया गया है, यहां से किस अनुपात में आपको लेना है मिक्सर ताकि ये रिजल्ट आपको मिले, तो आपको मिक्सर एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिए। ओके, अभी देखो बात हो रही है तीन यूटेंसिल्स की, 1, 2 और 3, और तीनों में क्या है? एसिड एंड पानी। ए फॉर एसिड, डब्ल्यू फॉर वाटर, ए फॉर एसिड, डब्ल्यू फॉर वाटर। ओके, क्योंकि तीन के रेशियोज आपको यहां पर पता है, पहले में है 3:1, दूसरे में है 5:3, तीसरे में आपको दिया गया है जो फाइनल बनेगा 2:1। ओके, अब देखिए सबसे पहले जोड़ लीजिए, 3×1=4, 5×3=8, 2×1=3। देखिए अलग अलग नंबर्स हैं तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम आप निकालिए। 4, 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24, तो आपको इन नंबर्स को 24 बनाना है। 4 को 24 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 24 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 24 बनाने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन आप इन रेशियोज में करेंगे। 6×3=18:6 हो गया। 3 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करेंगे तो 15:9 हो गया। 8 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में करेंगे तो 16:8 हो गया। ओके, अब देखिए हमें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन मैंने आपको बताया 5 पॉइंट पे हम काम करते हैं, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, कॉमन पॉइंट। चलो इस बार हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर ले रहे हैं, कहने का मतलब हम वाटर ले रहे हैं, तो तीनों रेशियो में आपको दूसरा वाला ही लेना पड़ेगा। यहां पर वाटर है पहले बर्तन में 6, दूसरे बर्तन में वाटर है 9,
जो कॉमन बर्तन है इन दोनों को मिक्स किया तो ये तीसरा वाला कॉमन बना ना, तो कॉमन में जो वाटर का रेशियो है वो है 8, इसको यहां पर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर 8-6, 2 यहां, इन दोनों का अंतर 9-8, 1 को यहां, जो लास्ट में आया बस यही रेशियो है 1:2, आपका उत्तर हो जाएगा। बात हो गई खत्म। 1:2 कहाँ है? ये सिंपल सा अप्रोच है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए तो आप इफेक्टिवली अपना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बचा पाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है इनको यूज़ करके आप अपनी मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।